हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट लिया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, दैट इज़ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और इसके कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम फर्दर टॉपिक्स करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, इंस्टॉलिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसमें 6 स्टेप्स ऐसे हैं जो नेसेसरी हैं। फर्स्ट आता है स्टेप 1, टू नो द नीड्स रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ज़रूरतें जो बिज़नेस में हैं उनका पता लगाना चाहिए। नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन एसोसिएट विद द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। आपको जो नीड ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ेगा। बिजनेस का नेचर क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, इन सब के रिगार्डिंग। और कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना पड़ेगा वाइल डिटरमाइनिंग नीड ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, हु इज़ द यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसका यूज़र कौन होगा। हाउ मच इन्फॉर्मेशन दे नीड, कितने इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होगी। व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन टेकन बाय देम, किस तरह के डिसीजंस के लिए जो उन्होंने लेने हैं उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट स्टेप आता है टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। आप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी रिगार्डिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट वन विल डू विद इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए जिनको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट स्टेप है टू डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन के सोर्सेज का भी पता लगा लेना चाहिए। इन्फॉर्मेशन के दो डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मींस विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक एनुअल रिपोर्ट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, मार्केटिंग और सेल्स इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको इंटरनल लेवल पे मिलेगी। एक्सटर्नल सोर्सेज रहते हैं लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, प्रोफेशनल जर्नल्स, सर्वेज, ठीक है। आप ये सब सोर्सेज का यूज़ करके एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए ताकि आपको आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का टाइमली पता चल सके। नेक्स्ट, टू सेट मेथड ऑफ कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसे डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट, स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन। दीज इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजन। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजन लेना है तो उस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल है लाइक एक्वायरिंग न्यू प्लांट। अगर आपने कोई न्यू प्लांट एक्वायर करना है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी दैट इज स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपकी आती है टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। दीज इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर बिजनेस रिसोर्सेज लाइक इन्वेंट्री कंट्रोल और बजटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। नेम से ही पता चल रहा है ऑपरेशन से रिलेटेड होगा कि डेली शेड्यूल क्या रहता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, ठीक है। डेली लेवल पर, बिजनेस लेवल पर आपकी डे टू डे बेसिस पर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स, टाइम स्टैंडर्ड हो गया, डिज़ाइन स्टैंडर्ड हो गया, प्लान करने के लिए। नेक्स्ट, डेटाबेस इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस इन्फॉर्मेशन जो है उनका मल्टीपल यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह के ये सारे मेथड्स हैं जिनको क्लासिफाई कर लेना चाहिए और कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है
मेथड ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन. आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, जो भी ये सिस्टम आप लगाने जा रहे हैं उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे वो किसके लिए करनी है. जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड करता है वो पर्सन कौन है, कितनी कॉपीज डिमांड करता है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको कितनी प्रोवाइड करनी है. विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, वेरियस मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं. पर आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ना आए. नेक्स्ट, इवैल्यूएशन. मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम का है वो मेंटेनेंस, मतलब आप जो बिज़नेस को मेंटेन करते हैं वो प्रॉपरली मेंटेन कर सके. ठीक है, पर आपको इवैल्यूएट करते रहना चाहिए अपने बिज़नेस की प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज जो भी हैं. ठीक है, उनको पॉइंट आउट करो और नोट करो कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है या नहीं. जो इन्फॉर्मेशन, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था उसे फुलफ़िल कर रहा है या नहीं. ठीक है, और हमारे बिज़नेस में जो बिज़नेस का जो भी वर्क सिस्टम है वो स्मूथली रन हो रहा है या नहीं, इवैल्यूएट कर लेना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. फर्स्ट वन इज़ प्रोसेस कंट्रोल. यह सिस्टम कंटिन्यूसली डाटा गैदर करता है और रेगुलर रिपोर्ट तैयार करता है. इस तरह की इन्फॉर्मेशन सिस्टम की एफिशिएंसी और वर्कर्स के सेफ्टी पॉइंट को चेक करने में हेल्पफुल होते हैं. ये एक तरह से क्या है, प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल कर रहा है. जितने भी बिजनेस में प्रोसेसेस चलती हैं उन पर कंट्रोल करेगा. यह है सिस्टम बिजनेस की फिजिकल प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं. एग्जांपल है लाइक पेट्रोलियम प्रोसेसेस. नेक्स्ट आपके पास आता है इन्वेंट्री कंट्रोल. आप सबको पता है कि जो प्रोडक्शन का मेन सोर्स है वो है इन्वेंट्री. यू कैन से लाइफ ब्लड फॉर प्रोडक्शन इज इन्वेंट्री. सो प्रॉपर कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग के लिए बिजनेस की. सो इन्वेंट्री मींस अ शेड्यूल ऑफ आइटम्स हेल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल हो, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. सो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है इन्वेंट्री पर, देखता है कब कब सामान इशू हो रहा है, लाइक इन्वेंट्री इशू हो रही है, कितनी लेफ्ट पड़ी है वेयर हाउस में. ठीक है, कितनी आप जो है, ऐसा होता है कभी कभी चोरी हो जाती है तो उस पर भी थोड़ा कंट्रोल करना है कि चोरी ना हो. ठीक है, सेल्स में कितनी यूज़ हो गई, ख़राब कितनी होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप नोट कर सके कि इतने टाइम से ज़्यादा अगर आप इन्वेंट्री को स्टोर करके रखते हैं तो वो ख़राब हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम से आप अवेयर हो जाएंगे. ठीक है, सो ये सारा सिस्टम आपको इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर करना होता है. नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग. ये सिस्टम हेल्प करता मैनेजमेंट को कंपनी एग्जीक्यूट करने में. ठीक है, टैकल करने में और मार्केटिंग फंक्शन को ट्रैक करने में. इसमें कुछ फंक्शंस हैं लाइक टू एस्टीमेट फ्यूचर सेल, अपने फ्यूचर की सेल का एस्टीमेट लगाना, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉपर कंट्रोल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्राइजिंग, डिस्काउंट्स, प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, ये सब आपके मार्केटिंग के पार्ट हैं. इन सब पर प्रॉपर चेक रखना, कंट्रोल करना और इनके थ्रू अपने बिजनेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना. ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स जब प्रिपेयर की जाती हैं ये मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जिससे मैनेजमेंट जो है वो बिज़नेस स्मूथली रन कर पाते हैं. नेक्स्ट आपके पास आता है ह्यूमन रिसोर्स. आपको पता ही है एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक कंपनी की रियल एसेट हैं. विदाउट एम्प्लॉयज़ आप अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते. सो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, अलाउ करता है कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन उनके एम्प्लॉयज़ तक प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा सके.
आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ होता है, आप सबको पता है। जैसे बिजनेसेस में आपने नोटिस किया होगा कि सेल फोन्स हैं, इंटरनेट है, ठीक है, और लैंडलाइन फ़ोन्स हैं, इन सब के थ्रू बहुत इजीली कम्युनिकेट किया जा सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को। और ये एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर टाइम कीपिंग, वर्क अटेंडेंस कैलकुलेट, मतलब ये सब कुछ जो है आजकल ऑटोमेटिक होने लग गया है, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स पे ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि आप उनके वर्किंग आवर्स चेक करें, कब वो आ रहे हैं, कब वो जा रहे हैं ये आप चेक करें, ठीक है, कितने दिन की उन्होंने महीने में छुट्टी ली, कितनी उनके पास कितनी उनकी मेडिकल लीव्स हैं, ठीक है, कितनी कैजुअल हैं, कितनी पेड हैं, ये सब डाटा आजकल कंप्यूटराइज्ड मेंटेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग, आप सबको पता है अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल बिजनेसेस में, ठीक है, अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करने के लिए और ट्रैक करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हुई है। सम डाटा डिमांडेड बाय लॉ के द्वारा भी कुछ डाटा डिमांड किया जाता है, जैसे हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। सो ये सब डाटा जो मेंटेन किया जाता है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट द्वारा ही किया जाता है। ऑल मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट्स, जैसे कि P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, वो सब इस सिस्टम के थ्रू ही प्रिपेयर की जाती हैं। नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। द इंफॉर्मेशन, ये वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वेदर इट इज़ फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज, सब सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस पे की जाती है, कोई भी पर्सन मशीन नहीं है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस को इजीली याद रख पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ताकि कभी भी अगर आप चेक करना चाहें तो वो ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब इस सिस्टम के थ्रू किया जाता है। स्ट्रक्चर डिसीजंस जो हैं वो इस लेवल पर लिए जाते हैं। और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ये सब बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम आर यूज्ड बाय सीनियर मैनेजर्स डायरेक्टली टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। ये सिस्टम जो है सीनियर मैनेजर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, ताकि वो डायरेक्टली सपोर्ट कर सकें नॉन प्रोग्राम डिसीजंस को। अब नॉन प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं? नॉन प्रोग्राम डिसीजंस अकर इन अनयूजुअल एंड न्यू सिचुएशंस। देयर विल बी नो रूल टू फॉलो दीज। इनके लिए कोई रूल्स नहीं होते, बट ये प्रॉपरली न्यू सिचुएशंस में प्लान किए जाते हैं। सो इट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड एनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इन मार्केट। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, जो भी मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव माहौल बना होता है आपको पता ही है, और कॉम्पिटिशन लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपोर्ट सिस्टम। This system of information is designed in such a way that it takes and store knowledge of a expert on a particular subject. It was said that computer have no common sense. आप सबको पता है कि कहा जाता था कि कंप्यूटर में कॉमन सेंस नहीं है, और आज भी हम यही कहेंगे कि कंप्यूटर में कोई कॉमन सेंस नहीं है। एक ह्यूमन बींग वर्क करता है उस पर बैठ कर, तो भी तभी इंफॉर्मेशन जो है उसमें स्टोर की जा सकती है,
अदरवाइज कंप्यूटर एक मशीन है, अपने आप से रन नहीं हो सकती, ठीक है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव एन आइडिया टू मेक कंप्यूटर थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। द मेन एम इज टू ऑब्टेन अ नॉलेज बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम इज दैट विल हेल्प मैनेजर टू टेक क्विक डिसीजन इन बिजनेस। मेन एम जो है ये नॉलेज बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स का वो एक ही है कि वो मैनेजर्स को जल्दी से जल्दी डिसीजंस लेने में हेल्प कर सके। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।